சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை। दुनिया भर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर दहशत फैल गई है। लोग तीसरी लहर से सहम गए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अभी गिनती में है। अभी इसे बेकाबू होने से रोकना संभव है। हमेशा की तरह इस बार भी अगर लापरवाही हुई तो पहले से भी भयावह नतीजे सामने होंगे। WHO ने बताया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 111 देशों में दस्तक दे चुका है। डेल्टा जितनी तेजी से फैल रहा है उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए WHO ने बताया कि वायरस लगातार अपने भीतर बदलाव कर रहा है। अपने इस प्रवृत्ति के चलते वायरस समय के साथ अधिक घातक और अधिक संक्रामक होता जा रहा है। दुनिया के सभी देशों को वायरस के बदलते रूप को लेकर चौकन्ना रहना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। डेल्टा के बढ़ते प्रकोप के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें कि भारत में भी तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक एक्शन मोड में काम कर रही हैं। इसी के मद्देनजर कई राज्यों में अभी भी पाबंदियां लगा रखी हैं और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है।